गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास फिफ्थ की मैथमेटिक्स की क्लास है। आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.5, जो कि हम कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ टाइम का, है ना, आवर्स और मिनट्स एंड देन। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, कि वो बोल रहा है कि 6 आवर 37 मिनट्स और 5 आवर्स 25 मिनट्स को माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ से देखिए तो अगर मैम आपने 2 कैसे लिख दिया, 2 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 7 और 5 को ऐड करने पे 2 तो कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। और अगर 2 आया तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, है ना, और 3 2 5 और 1 कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए, राइट है, आपका चीज़ें राइट है। अब आप पढ़े हैं कि 1 यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। अगर आप 37 और 25, ये क्या है, मिनट है, जब आप इसको देखते हैं तो ये क्या आता है, 62 मिनट्स, और आपको पता है 1 आवर्स इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो अगर आप इसमें से 60 प्लस 2 कर देते हैं, यानी कि ये आवर में चला जाएगा, तो मिनट कितने बच गए, सिर्फ 2, और उधर 6 आवर्स है और 5 आवर्स है, तो 11 आवर्स ये हो गए, और 1 आवर यहाँ से कैरी हुआ, यानी कि जो हम पहले कैरी वाला फंक्शन अप्लाई करते थे वो उसमें देखना है कि आवर मिनट या सेकंड क्या दिया हुआ है ना। तो जैसे आप अगर 1 ईयर देंगे, वहीं कहीं से 1 ईयर कैरी करेंगे, तो इधर 12 मंथ्स हो जाएगा, है ना, 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर से मंथ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई कि 37 और 25 को जब ऐड किया तो 62 मिनट आ गए। अब 62 मिनट है बिकॉज 60 मिनट प्लस 2 मिनट, तो 1 आवर यहाँ चला गया, आवर में यहाँ आ गया, और यहाँ कितने बज गए, सिर्फ 2, 6 और 5 कितना होता है, और ये 1 आवर और 11 आवर्स 2 मिनट्स, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि 9 ईयर्स 8 मंथ और 6 ईयर 7 मंथ, तो 8 में से 7 चला गया 1 आ जाएगा, 9 में से 6 चला गया 3, ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये 34 मंथ्स 20 डेज हैं और ये 23 मंथ्स 34। आप जब यहाँ से 1 मंथ दोगे ना, इधर आप दिए तो 1 मंथ, लेकिन ये कन्वर्ट होके यहाँ क्या ऐड होगा, 30 डेज, क्योंकि वो मंथ आप दे रहे हो, पर ये किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें डेज दिया हुआ है। तो 20 प्लस 30, ठीक है, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50, है ना। अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो यहाँ से 1 मंथ चला गया, तो ये 20 प्लस 30, क्योंकि 1 डे 30, तो ये कितना हो गया, 50 में से हम माइनस करेंगे आप 24, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 26। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, बिकॉज 1 मंथ चला गया, तो ये कितना बन जाएगा, 33, क्योंकि 34 मंथ था। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 0, 3 में से बन गया 1। समझ में आ रहा है कि कैसे कन्वर्ट करना है, आपको देखना है कि आप तो यहाँ से आवर्स दे रहे हो, आप तो यहाँ से आवर्स ले रहे हो कैरी, लेकिन 1 आवर्स इज़ इक्वल टू होता कितना है, 60 मिनट, बिकॉज जिसको दे रहे हैं वो क्या है, मिनट में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं, और क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस आपको ध्यान देना है कि ईयर है कि मंथ है, सेकेंड है कि आवर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 9.2 इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया, देखिए अब यहाँ पर क्या किया था कि 34 मंथ था, ये 20 था, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने 1 मंथ लिया तो वो क्या हो जाएगा, 20 जो है वो 50 बन जाएगा, क्योंकि 20 प्लस 1 मंथ में 30 डेज, तो 50, 24 आ जाएगा, 26 आ गया, और यहाँ पर 10 मंथ्स हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको ये साइड में करना है, ओके। तो आपका एक्सरसाइज 9.2 इज़ कम्प्लीटेड।